कपड़े कहाँ है तेरे? जो शर्म के साथ साथ अपने कपड़े भी उठा दिए। मैं नहाने आई हुई थी प्लीज। I can't believe this, Anya. क्या ये? अगर नहाने आई थी तो कपड़े साथ में क्यों नहीं लेके आई? मैडम जी, बस मैडम जी। सर, अब की मैं हानिया की बात मान लेती है। यहाँ पर भाई हानिया भीख वगैरह मांग रही है, हाथ जोड़ रही है, झोली भी फैला रही है कि मेरी बहन की जान बख्श दो, आप उसको माफ कर दो, क्योंकि भाई वो ऊपर छत पे खड़ी है। ओ बंद करो अपने बेकार के सवाल जवाब। वो अजीब हो यार, वो ऐसी सिचुएशन में अपनी बहन की हेल्प करने की बजाय ऐसी बातें कर रहे हो। हेल्प तो तुम करने आई थी ना, मैं बीच में आ गई इसीलिए गुस्सा हो रहा हूं ना। तो कुछ भी आप क्या बोल रहे हो, समझ में आता है आपको? कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो मत समझो। छत पे खड़े होके ना वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, गिरना चाहती है और धमकी भी दे रही है कि मुझे अगर ये लोग माफ नहीं करेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और यहाँ पर जो उसकी माँ होती है ना वो उसको माफ कर देती है, लेकिन एक ही शर्त पे। मुझे लगा था आपको सिर्फ मर्दों से प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, आपको अपने अलावा हर किसी से प्रॉब्लम है। जो भी दिल में आता है, जो भी लगता है, उसी को सच मान लेते हो। और आपको ज्यादा समझाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि समझाया उसे जाता है जिसके अंदर दिमाग हो। लेकिन हाँ, एक बार जरूर समझाऊंगा आपको। जैसी हानिया बोलती है ना कि आप जो बोलोगी वो मैं करूंगी और आप जैसा बोलोगी वैसा ही मैं मानने वाली हूँ, तो यहाँ पर उसके दिमाग में भाई आ जाता है कि भाई ये तो मेरे को अच्छी मुर्गी मिल गई है और यहाँ पर हानिया की शादी वो करेगी लियो से। रिश्ता कोई भी हो, हमेशा दो चीजों पे टिका होता है, इज्जत और भरोसा। किसी को ना इज्जत देना, किसी पे ना भरोसा करना, ऐसी बातें आती है आपको? और तो कुछ आपके बस में ही नहीं है, क्योंकि आपका दिल और दिमाग वो दोनों खाली है। ये भी हो सकता है कि वो सरब से हानिया की शादी कर दे, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा तो कुछ चल रहा है। अब वो हानिया का रिश्ता मांगेगी भाई आसमां से, अब वो लियो के लिए मांगेगी या हाँ। और एक बात और सुन लो, वो हमारा रिश्ता हो सकता है, ऐसा अब सोचना भी मत। सरब के लिए मांगेगी तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हानिया क्या करेगी? अगर भाई सरब का रिश्ता आता है तो हानिया हो सकता है मना कर दे। उसे पता है ना कि मेहर को भाई इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है, बट वो प्यार भी करती है सरब से, तो एक तरीके से उसे खुश भी होना चाहिए। लेकिन अब मेहर का दिल टूट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मेहर माफी वगैरह मांग रही थी, उसने नस भी काट ली थी, यहाँ पर छत पे से कूदने को तैयार भी थी, तो अब ऐसा लग रहा था कि मेहर को भाई सरब से प्यार हो गया है, क्योंकि उसे इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता है। अभी तक तो भाई वो एक दूसरे के दुश्मन थे यहाँ पर, और हमने देखा ही था ना तरीके से यहाँ पर मेहर क्या कुछ नहीं करती है सरब के साथ, लेकिन भाई उसकी जान भी एक बार बचा ली थी। वहीं पर यहाँ पर सरब भी भाई उससे बहुत प्यार करता है, और जिस तरीके से यहाँ पर उसने नस वगैरह काट ली थी तो भाई सरब बहुत रो रहा था, उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था, बहुत पागल हो रहा था, उसको बहुत चिंता हो रही थी यहाँ पर मेहर की। तो वो कहीं ना कहीं प्यार तो करता ही है सरब, लेकिन अगर हानिया को सरब से शादी करनी पड़ी तो भाई क्या होगा मेहर और सरब का? क्या इन लोगों का जो एक रिश्ता स्टार्ट हुआ था, जो बॉन्डिंग स्टार्ट हुई थी, जो प्यार स्टार्ट होने वाला था, वो क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?